तो आज फिर से हम लोग का और एक फेल्ड मैरिज के बारे में बात करेंगे, जो कि कल ट्विटर में बिल गेट्स साहब ने आके एक ट्वीट कर दिए कि वी नीड स्पेस बिटवीन मलिंडा एंड मी, आवर 27 ईयर्स ऑफ मैरिज इज़ कमिंग टू एन एंड एंड वी वांट डिवोर्स करके एक ट्वीट कर दिए बिल गेट्स साहब ने। 65 ईयर्स एज के हो गए हैं बिल गेट्स साहब, और मलिंडा 56 ईयर्स के हो गए। तो ज़िंदगी की और कुछ ही दिन बचे हुए हैं भाई, इतने दिन साथ में रह लिए, अभी उनको याद आ रहा है कि हम लोग 30 साल 27 साल बाद उन लोगों को याद आता है भाई, हम लोगों का माइंड मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 2-5 साल के बाद पता चलता है कि हो जाता है, जो भी 30 साल 25 साल के बाद इन लोगों को पता चलता है कि हम लोग का व्यू अलग है, हम लोग साथ में नहीं रह सकते, या फिर दूसरा किसी को दूसरा कुछ चक्कर है भाई, इन लोगों को बात इन लोग ही जाने। तो ये सेकंड रिचेस्ट मैरिज होगा, रिसेंट सेकंड रिचेस्ट डिवोर्स होगा, सेकंड रिचेस्ट डिवोर्स होगा। अब लोगों को पता होगा, अभी अभी कुछ दिन पहले ही जेफ बेजो और मैकेंजी स्कॉट के बीच में डिवोर्स हुआ था, जो कि जेफ बेजो आप लोगों को पता है वो अमेजोन का सीईओ है, फाउंडर भी है, और वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, अराउंड 200 बिलियन डॉलर का ऑनर मालिक है। और ये डिवोर्स मैकेंजी स्कॉट को करीबन 60 बिलियन डॉलर का मालकिन बना दिया, और वो एक स्कूल टीचर कौन था उनका नाम, हाँ डन जुएट को शादी कर लिए, और बोल रही कि मैं अपना पैसा डोनेट कर दूंगा फिलेंथ्रोपिस्ट ब्ला ब्ला जो भी है। वो मैकेंजी स्कॉट 51 ईयर्स के हैं और अभी जेब है जो 56 ईयर्स के हैं। तो इतना दिन साथ में रहने के बाद इन लोगों के बीच में और इतना पैसा होने के बाद भी इन लोगों को मतलब स्पेस चाहिए, इन लोग नहीं होता है कि हम लोग आवर व्यू इज़ नॉट मैचिंग, ऐसे बात आ रहा है। ठीक है, अभी जो कल हुआ बिल गेट्स जो दिए, काफ़ी सारे न्यूज इसके बारे में आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट हुआ उनके बारे में पढ़ने के लिए। पर कुछ ही दिनों पहले बिल गेट्स ने शायद ये बोला था कि कोई न्यूज मीडिया में बहुत सारा चला कि वो इंडिया को वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल या वैक्सीन का जो टेक्नोलॉजी वो देना नहीं चाहिए बोल दिए। तो बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ इंडियन के तरफ से उनको कि मतलब अभी जो इतना लोग मर रहे हैं, तो इंडिया का जो बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी है, लेकिन हम लोगों मतलब इन लोगों को पता नहीं है कि कैसे वैक्सीन बनाते हैं या जो भी फार्मूला है पता नहीं है। तो वो जो पैटेंट है कुछ लोग बोल रहे थे कि दे देना चाहिए यूएस को, क्योंकि एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से इतना भाई फिलैंथ्रोपिस्ट काम कर रहे हो और ऐसे बोलने से कैसे होगा, और जो भी है इतना सारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो करीबन 50 बिलियन डॉलर्स के डोनेशन कर चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क्स, एजुकेशंस, पुअर हेल्थ केयर फॉर द पुअर, ऐसे बहुत सारे केसेस में वो लोग डोनेशन किए हैं। तो डोनेशन करके तो खुद का घर ठीक नहीं है जो भी है, लेकिन वो उसमें हम बोले हैं बिल गेट्स की जो बिल एंड गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो उसमें दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो इससे चलते थोड़ा बिल गेट्स के बारे में जानते हैं। तो इन लोगों का शादी 1994 में हुआ था और करीबन 27 साल हो गया। तो ये जो मेलिंडा थे ये उनका मैनेजर थे, जो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स का जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी कंपनी पहले बनाए थे उन वो, और उनका मैनेजर थे। तो दोनों के बीच में शादी हुआ था 1994 में, उन लोगों का 3 बच्चे हैं, जेनिफर जो मतलब सबसे बड़ा है, और वो एक ट्वीट करके बोले कि हमारा ये फैमिली डिस्टरबेंस बहुत अभी हेक्टिक है, वी आर इन ए
फैमिली ट्रबल जो भी है। तो इन लोगों का 3 बच्चे हैं, अभी इन लोगों का डिवीज़न कैसे होगा पता नहीं, कितना मिलेगा मेलिंडा गेट्स को, क्योंकि इन लोगों का वाशिंगटन का जो लॉ है, इन लोगों को शादी के बाद जो एक्वर्ड मतलब प्रॉपर्टी होगा वो दोनों के बीच में डिवाइड होगा, 50-50 भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर शादी के बाद जो एक्वर्ड होगा, शादी से पहले एक्वर्ड में वो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर शादी के बाद जो एक्वर्ड प्रॉपर्टी होगा या जो भी उन लोगों का बैलेंस होगा जो भी होगा, उनमें दोनों का इक्वल राइट्स है, ऐसे करके डिवाइड होगा। तो पता नहीं इनको कितना मिलेगा जो भी है, लेकिन इनको तो एक बिलियनियर बना देगा मेलिंडा गेट्स को। और ऐसे में देखा जाए तो जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाने के बाद कंटिन्यूअसली 1995 से 2017 तक कंटिन्यूअसली वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन रहे, और 2018 में आके जेफ बेजो जो अमेजन का ऑनर है वो क्रॉस कर दिए। तब उनका नेटवर्थ करीबन 82 बिलियन डॉलर का था 2018 में, तो वो क्रॉस करके 90 डॉलर ऐसे कुछ हो गया जेफ बेजो का। उसके बाद कुछ ही दिन पहले इलन मस्क जेफ बेजो को क्रॉस किए थे, अभी इलन मस्क फिर थर्ड को आ गए, जेफ बेजो नंबर 1 में है आज के डेट में बोल रहा हूँ, और 2 में कोई एलन समन आई डोंट नो इज नेम, 2 नंबर 2 पोजीशन में है, बिल गेट्स आए थर्ड या फोर्थ में है। तो बिल गेट्स का जो अभी का शेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट में कम हो गया है, बहुत अराउंड 20% शेयर है, और उन वो माइक्रोसॉफ्ट का पैसा जो शेयर बेच के जो पैसा उनको मिला, वो मोस्ट ऑफ द मनी ही इज गिवन टू बिल एंड मेलिंडा गेट्स। उसके साथ साथ वो और भी बहुत सारे कंपनी बनाए हैं जिसका फाउंडर और चेयरपर्सन अभी भी है, जैसे कास्केड एक कंपनी है जिसमें और भी कंपनी है उनका, तो वो सब कंपनी का भी उससे उनको एज ए बोर्ड मेंबर उनको पैसा आता है, एज ए डिविडेंड उनको पैसा आता है, और माइक्रोसॉफ्ट का 20% शेयर शायद मतलब अप्रोक्सीमेटली उनका है, उधर से भी माइक्रोसॉफ्ट का शेयर फिर से बहुत मतलब इंक्रीज हुआ प्राइस, तो उससे भी उनको डिविडेंड और उनको मिलता है, और वो रिजाइन कर दिए 2014 में वो रिजाइन कर दिया बोर्ड मेंबर से, और जो इंडिया का सत्य नादेला है वो सीईओ के हिसाब से अभी तक काम कर रहे हैं। और 2009 और 13 के बीच में भी वो सेकंड पोजीशन में आ गए थे, कोई प्रिंस सिल ऐसे कुछ है फ्रांस का कोई पर्सन जो कि बिल गेट्स को क्रॉस कर लिए थे, उस वो 1-2 साल को छोड़ के, मेरा पैदा होने से मैं तो मतलब 1990s से सुन रहा हूँ कि वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट कौन है, बिल गेट्स है। तो कंटिन्यूसली एक पर्सन 20-25 साल वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन रहना, इट्स ए रियली माने इस टाइप का पर्सन को क्या बोला जाए, मतलब कंटिन्यूसली ही इज़ बींग द रिचेस्ट पर्सन। तो जो भी है, लेकिन वो पहले उनका दोस्त से मिलके ये कंपनी बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए मतलब जो विजनरी होता है वो इस टाइप का वो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनका पापा मम्मी चाहते थे कि वो एक लॉयर बने, तो वो हार्वर्ड में उनको एडमिशन मिला था, और जो अभी भी वो टेस्ट चलता है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेट एग्जाम होता है, ऐसे पढ़ा कि वो आउट ऑफ 1600 वो 1590 मार्क्स रखे थे बिल गेट्स, तो उनको हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया था, और उधर प्री लॉ उनका मतलब बैचलर में कोर्स लिए थे, लेकिन उनका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस मेजर था, उधर 2 साल पढ़ाई किए, 2 साल के बाद वो छोड़ दिए, उनका ये मानना था कि मैं कुछ वैकेशनल लीव लेके वो आ गए थे, और दोस्त को बोले कि चलो ऐसा ऐसा कंपनी बनाते हैं, ऐसा कंपनी बना के वो बोले कि फेल होगा तो मतलब कंपनी चलेगा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा फिर हार्वर्ड, लेकिन कंपनी फॉर्चुनेटली अच्छा चला, धीरे धीरे वो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं मोस्ट पॉपुलर, उसका जो लाइसेंसिंग का पैसा सब माइक्रोसॉफ्ट को जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट का भी काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स मार्केट में है, तो वन ऑफ द मीन्स रिचेस्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का पूरा अभी
शेयर नहीं है बिल गेट्स का, करीबन 20% शेयर बिल गेट्स के पास है। बाकी उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जो बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है, जो वॉरेन बफेट का कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनका भी वो बोर्ड मेंबर हो चुके हैं। उधर भी कुछ इन्वेस्टमेंट है उनका, बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है, कंपनी है, तो वो सबसे वो मतलब पैसा उनको आता है, जनरेट होता है। और जो भी है ये भगवान करे फिलंथ्रोपिस्ट काम जो कर रहे हैं करे, और खुद का फैमिली भी को भी सेटल करे, उनका जो सिंगल स्पेस चाहिए था उस स्पेस का यूटिलाइज करे, ठीक है। और जो मतलब और क्या बोला जाए, ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।